लोबन की जिसकी हम बात कर रहे थे, लोबन का एरिया पूरा जो है जो शुरुआत होती है ऑलमोस्ट नॉच के नीचे से, ये एंटीट्रैगस, ये ट्रैगस और ये इंटरट्रैगस नॉच है। इस नॉच के नीचे जो पोर्शन आता है उसमें तीन पॉइंट्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट हैं और आप माने तो ये पॉइंट भी नहीं है, ये एरिया है। और एरिया को सबसे अच्छा ट्रीट किया जा सकता है ऐसी चीज से जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करे। कई बार क्या होता है कि सीड लगाई जाती है, जो नेचुरोपैथी वाले बहुत करते हैं, हमारे सुशोक वाले भी बहुत करते हैं, सीड लगा सर पे बात करते हैं, बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, सीड सर पे बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एरिया छोटा है और हम उसे पूरा कवर करना चाहते हैं, वो होता है मिडल से। अब आपको भी मान लीजिए किसी को सर दर्द हो रहा है या किसी को बहुत चिंता होती है या सोचता रहता है, अच्छा एक पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ पे, उनको ट्रीटमेंट दे दो, उनसे पूछो अब ठीक है, उनको वेरिकोस पेन है तो वेरिकोस पेन था ही नहीं, हो बहुत पेन होता है उनको, अब ठीक हो गया, वो उनको ट्रीटमेंट जैसे दूसरे दिन दिया, चिंता बैठी हुई, क्या हुआ दर्द हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा लेकिन घर जाके हो गया, तो दो तीन दिन बाद आई पेन बिल्कुल नहीं है, ट्रीटमेंट दिया, उनसे पूछा हाँ अब पेन कैसा है आजकल आपका, आजकल तो नहीं है लेकिन दोबारा आ जाएगा क्या, तो इतना जो सोचते हैं लोग उसको, वो जनरली उसके बाद क्या होता है, वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बन जाता है, वो पेन नहीं भी होगा वो दिमाग क्रिएट कर लेगा और वो वाकई में पेन होने लग जाएगा। तो आप ये बात सोचिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट के लिए, कि आपके पास पेशेंट आएगा वो हर जगह से थका हारा ही आएगा, पांच साल मैंने एलोपैथी की दवा खा ली सर, 50 का ट्रीटमेंट करा लिया, लाखों रुपए खर्च हो गए, एक्सरे और ये सब एमआरआई करवा लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं, किसी ने बताया कि आपके पास ये ट्रीटमेंट होता है तो आ गए, ऐसी कंडीशन में उसकी साइकोलॉजी बिल्कुल नेगेटिव रहती है, उसे लगता है पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा कि इतना कुछ करा लिया है, ये भी करा के देख लेते हैं, ये भी करा के देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो भैया हमारी किस्मत, ये हालत हो। और ऐसी स्थिति में अगर आप किसी को रिलीफ दे देते ही हैं, इससे बढ़िया चीज नहीं हो सकती, वो कहीं जाएगा वो आपके अलावा कहीं नहीं जाएगा, और उसके लिए जो आपने किया है वो आपको अपने आप में भी इतना अच्छा लगेगा कि हाँ ये आप कर पाए अपनी लाइफ में। तो इस मनोदशा से उसको निकालने के लिए ये वो सोचने ना लग जाए कि हाँ ये दोबारा आ जाएगा, ये होगा वो होगा, एक मीटर लगती है यहाँ से यहाँ, एक मीटर लगती है यहाँ से यहाँ, ऐसा वो क्या करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे काम में, जिसे कहते हैं मास्टर सेरेब्रल, मास्टर सेरेब्रल। सेरेब्रल क्या होता है, सेरेब्रल हमारी बुद्धि के दो हिस्से होते हैं, एक सेरेबेलम जो पीछे होता है, छोटी बुद्धि कहते हैं, इसे कहते हैं पीछे कान, पीछे नहीं मारना चाहिए किसी को, बुद्धि पे नहीं मारना चाहिए, बचपन में मारते थे टीचर वगैरह भी, जो आपकी एज के हमारी एज के तो पढ़ती थी हम लोगों को, पर जो आपकी एज है आपको तो बिल्कुल क्राइम घोषित कर दिया था, बच्चों का हाथ नहीं उठाना है ना, तो वो जो होता है पीछे वाला पोर्शन होता है सेरेब्रम, छोटी बुद्धि कहते हैं, और हमारा पूरा जितना भी शरीर है उसे वही चलाते हैं, ऊपर वाला जो बुद्धि है जिसे सेरेब्रम कहते हैं वो सिर्फ सोचने का काम करता है, उसके ऊपर बैठ के जैसे मैनेजर नहीं आता ऊपर बैठ जाता है, लेकिन उसके नीचे काम करने वाले को अपनी जिम्मेदारी पता होती है, तो वो सेरेब्रम होता है जो नीचे होता है, जो काम करते रहता है, और जो ऊपर जो सोचता है वो हमारे शरीर में हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें नहीं पता होता, सेरेब्रम को पता होता, लेकिन चिंता सेरेब्रम से नहीं आती, सेरेब्रम से आती है जो बड़ी बुद्धि जो होती है, उस पर बहुत बढ़िया काम, एक मिनट लगती है तिरछी, तिरछी में लगाते हैं हमें ये कवर करना होता है मास्टर सेरेब्रल, इसके साथ कवर करना होता है हमें लिम्फिक सिस्टम, लिम्फिक सिस्टम क्या होता है हमारे जितनी भी
नाड़ियां हैं जहां से भी खून दौड़ रहा है उसे लिपिड सिस्टम है, कहीं भी खून दौड़ रहा है लिपिड सिस्टम का। और सिंगलेट जाइज इमोशनल बिहेवियर रिस्पॉन्स, अब आप एक सीट से तीनों कवर नहीं कर सकते, और यही खासियत है इसकी, आप तीन चार पॉइंट या दो तीन पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक ही नीडल में कवर कर लेते हैं, कितना ट्रीटमेंट बच गया। आप उसको पूरे शरीर में मैग्नेट लगाते हैं या सीड लगाते हैं, या एक में काम हो रहा है पॉइंट पता नहीं, अब यही लगाएंगे चिंता मत करो। ये सर इतनी नई थेरेपी है, इसका शायद हम सब लोग पूरी दुनिया में शायद 30-40% ही यूज कर पा रहे हैं, इतनी संभावना है इस चीज में, इसलिए आप लोग जिसे जुड़ेंगे इसमें काम करेंगे और नई चीजें निकल के आएंगी, जो चीज सदियों से करते आ रहे हैं उसमें नया क्या निकलेगा, हम भी वही करेंगे, कोई नई चीज है 1950 की ही, ऐसा नहीं कि दशकों से चली आ रही चीजें, इसमें बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, बहुत सारे पॉइंट आप ढूंढ सकते हैं जो आप यूज कर सकते हैं और उसको आगे फैला सकते हैं, तो रिसर्च है और लोग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, एनुअल में हमारा रिसर्च में ये पॉइंट सबमिट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, चल रही है वो रिसर्च का है, बिल्कुल विषय है, लेकिन सबसे ज्यादा रिसर्च है अपने ऊपर हड्डी चूटने पे, हाँ उन्होंने ऐसा है, वो सर जो जो ग्रेजुएट के बाद ली गई उन्होंने अपनी रिसर्च की 100% वो तो आगे लेकिन लोग बात जो इसको स्टिक एक्चुअली वो सर डिपेंडेंट है ना, पूरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे इंडस्ट्री कॉन्सेप्ट की ठीक है, कितनी अच्छी बात है सबने भी अभी कही, ये एक्चुअल एम्पावरमेंट है। आप मैं किसी प्रोफेशन को बुरा नहीं मान रहा, किसी प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, आप ये देखिए एक डॉक्टर बेचारा 10-15 साल मेहनत करके डॉक्टर बनता है, बहुत कड़ी परीक्षा होती है, बहुत कड़े इम्तिहानों से गुजरता है, रात दिन जागता है, लेकिन ट्रीटमेंट देने के लिए उसे पूरी इंडस्ट्री पर निर्भर रहना पड़ता है 100%। अगर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी दवा नहीं बना रही है तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा ना, प्रिस्क्रिप्शन करेगा, किसी मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन, वो डॉक्टर नहीं बना, तो पूरी तरह से एम्पावर्ड नहीं है, हालांकि उसका काम बहुत जटिल है, उसकी एजुकेशन बहुत जटिल है।